मैं रिचा जैदा मॉर्निंग दोस्तों, रोज की तरह आज की शुरुआत भी मुस्कुराहट के साथ। सारे साथी जो है हम लोग रोज ज्वाइन करते हैं इस मीटिंग में, कुछ सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जिंदगी में, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, हमारी सोचने का तरीका बढ़ता है, हमारा लोगों की मदद करने का तरीका बढ़ता है। और ऐसे ही जो है ये कारवां लगातार लगातार बढ़ रहा है। आज 16 अगस्त की सुबह में हम लोग बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है सवाल और जवाब। वो सवाल जिनको लगता है कि आपके लिए जानना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है, आपके बिजनेस में आपको बढ़ना जरूरी है, उन सवालों को हमको पूछना है, जिन सवालों के कारण से मेरा बिजनेस जो है आगे बढ़ने में और मदद मिल सकती है, मेरी टीम को मदद मिल सकती है। वो सवाल को पूछने की जरूरत नहीं है जिस जिस सवाल के पूछने से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता है, या मेरे बिजनेस में या मेरी टीम के बिजनेस में उसका कोई जो है फायदा नहीं आता है। तो हमको इसी कड़ी में जो है ये एक सेशन जो है हमने रखा है, क्योंकि जब तक डाउट होते हैं, बोलते हैं अज्जल गगरी छलकत जाए, तो डाउट्स जो होते हैं वो सबसे खतरनाक चीज होते हैं। डाउट जो है वो ही डेंजरस चीज होते हैं। बोला जाता है कि आपको क्लियरिटी अगर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेफ्ट जाए कि राइट जाए कि बीच में चले कि एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट जो है वो विदाउट क्लियरिटी के होते हैं। और जब हम क्लियर है लाइफ में कि मुझे जाना कहाँ है, करना कैसे है, करना क्यों है, जब हमारा एकदम क्लियरिटी हो जाती है, जब हमारे जिंदगी में एकदम क्लियर पाथ बन जाता है, तो उसके बाद में हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है, हमारे लिए बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो वो साथी जिनको लगता है कि उनका कोई सवाल है, उस सवाल को जरूर आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए हमारे रोज के हर बार की तरह जो जूम में होता है वही प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको वीडियो ऑन रखना है, पहला चीज है। दूसरा चीज है कि आपका बैकग्राउंड आपको चेक कर लेना है कि आप इस बिजनेस में, क्योंकि आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो एज ए लीडर आप सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या आपका बैकग्राउंड ऐसा है जो आपको एक लीडर के रूप में दिखाता है? अगर आपको वो लीडर के रूप में अगर दिखाता है तो जरूर आपको सवाल पूछना है। तीसरा चीज, आपको अपने मोबाइल को जो है वाइड रखना है, ऐसे वाइड रखना है तो आपका वीडियो पूरा का पूरा दिखना चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि आपके पीछे कोई शोर तो नहीं हो रहा है, कोई कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो आपके आपकी बात को जो है डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। आपको चलते हुए घूमते हुए फिरते हुए उस रूप में जो है, अगर आप हैं और इतने बिजी हैं तो आप एक बार रुक जाइए अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप अगर ये मीटिंग को सुन रहे हैं और आपके पास समय नहीं है कि इस मीटिंग को आप रुक के ज्वाइन कर सके, तो एक बार आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में इतने बिजी क्यों हैं, तो उस चीज को आप एनालिसिस करिए। लेकिन आप अगर सवाल पूछ रहे हैं तो आप रुक के आराम से शांति से वहां पे उसको पूछे, उसको आपके पास आपकी डायरी खुली हुई होनी चाहिए, आपको लोग सुनते हैं तो आपकी टीम भी सुनती है, आपके अपलाइन में भी लोग सुनते हैं, तो आप किस रूप में जो है इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें जो है हर कोई नोट करता है ना। एक छोटा बच्चा क्या करता है, वो आपकी लैंग्वेज नहीं जानता है, लेकिन एक व्यक्ति को देख के छोटा बच्चा रोने लग जाता है, एक व्यक्ति को देख के छोटा बच्चा हंसने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज, आपका शरीर का जो है, आपका आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, इसी को बच्चा जो है अडोप्ट करके जो है, आपसे कभी मिला नहीं छोटा बच्चा, आपको कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी मुस्कुराने लग गया आपकी तरफ, क्योंकि आप मुस्कुराए सामने से, आप ना आपने कुछ ऐसा एक्शन किया, लैंग्वेज में बात नहीं किया हमने, सिर्फ हमारे इशारों इशारों में बात किया, छोटे बच्चे ने भी वैसा के वैसा ही किया। लेकिन कभी कभी एक छोटा बच्चा जो है किसी को देख के जो है वो घबरा जाता है, डर जाता है। क्यों? क्योंकि उनको शरीर ऐसा दिखा, उनको वो दिखा ये दस्तकार आदमी जो है ये मेरे काम का आदमी नहीं है भाई, ये सही इस आदमी से तो मुझे थोड़ा बच के ही रहना है। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है हमारा आ, 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 सबसे पहले जो है हमको रिफ्लेक्ट करता है। तो आज उन उन साथियों से सुनेंगे जिन जिनको जो कोई सवाल है, तो आप अपना डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं जिन जिन साथियों के सवाल हैं। एक बार 3 वीक पहले ये एक सेशन हुआ था तो किसी भी साथी का सवाल नहीं था उस दिन, बाद में बहुत सारे सवाल आ गए, बहुत सारे सवाल आ गए, इतने सारे सवाल आ गए कि आप पूछिए मत। तो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे आखिरी टाइम पे पहले, क्योंकि हम सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ। एक बार एक बंदर और बंदरिया जो है वो लगातार सुनते थे कि भाई ड्रीम्स पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं कुछ करने से, सोचने से, लिखने से, ऐसा करने से। तो उन्होंने भी सोचा भाई हमको भी जो है, उन्होंने लिख लिया कि हमको इंसान बनना है,
ठीक है, और वो भगवान से बोलते हैं, भगवान हमको इंसान बना दो, हमको इंसान बना दो, हमको इंसान बना दो। तो रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं। एक दिन आकाशवाणी हुई ऊपर से कि आप जो है सुबह 6:25 पे जो है आप जिस पेड़ पे बैठे हो नीचे, उसमें नदी है, उस नदी में कूद जाओ आप लोग। तो सोच रहे सोच रहे सोच रहे सोच रहे, और जैसे 6:25 बंदर ने छलांग लगा दी उसके अंदर, और जब बाहर निकला तो आदमी के रूप में निकला, और बंदरिया जो है वो उसने जो है छलांग नहीं लगाई। तो अब बंदर ढूंढ रहा है कि वो बंदरिया जो है वो इस महिला बन के किधर में आई, तो वो दिख नहीं रही कहीं पे। वो देखता पेड़ के ऊपर वो वैसे की वैसी ही बैठी है। तो उसने पूछा कि तुमने छलांग क्यों नहीं लगाई? बोले मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं ऐसे हो सकते हूँ। तो अब वो उसके बाद में जो है कोशिश कर रही है, पानी में हाथ डाल रही है, कभी पूछ डाल रही है करके, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसी वक्त पे उसको छलांग लगानी थी। तो कई बार जो है हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हमें ये सवाल तो पूछना है, मेरा डाउट तो है, मेरा कंफ्यूजन तो है, मेरी टीम को इसकी जरूरत तो है, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा और बात, थोड़ा और बात, थोड़ा और बात करके। तो वो थोड़ा और बात जो है ना कभी नहीं आता। मैंने जैसे कल भी बताया था कि भाई हाथी जो है वो काटता नहीं है, कभी मच्छर ही काटता है। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमारी जिंदगी में वो बाधा हमारे सामने बन के आती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बार बार बोलता हूं, और वो चीज है कि अंडे को बाहर से मत फूटने दो, अंडे को अंदर से फूटने दो। अंडा अंदर से फूटेगा एक जीवन को लेके आएगा, अंडा बाहर से फूटेगा किसी की जिंदगी खत्म होगी। तो हमारे अंदर से जिस दिन अंडा फूटना शुरू हो जाता है ना, उस दिन हम सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सवाल, वो एक्चुअल लाइफ के सवाल हैं, वो ही चीज आना चाहिए। तो वो उन लोगों के आते हैं जो फील्ड में जाते हैं, जो सो द प्लान करते हैं, जो सो द प्रोडक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है हमारे अंदर जो है, जिस बदलाव को लेके आना और उस चीज को देखना। हम बड़ा कब बनते हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आज के हमारे कुछ साथियों के जो है उन सवाल को हम यहाँ पे लेना शुरू करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले जो है मैं ममता मिस्त्री मैडम को बुलाएंगे एक बार। ममता मैडम आप जो है अपना सवाल पूछिए। माय दिस मॉर्निंग सर। जी मैम। তো একদম বাড়িতে কলকাতাতে আছে, কলকাতাতে থাকে, কিন্তু কাজের সূত্রে ওরা আমেরিকায় থাকে। ওনাদের সুগারের প্যাকেজ ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু আমি কিভাবে আমেরিকায় এই প্রোডাক্ট গুলো দেওয়া যাবে? क्या मैम थोड़ा सा एक बार वापस आप क्लियर करेंगे? সুগারের প্যাকেজ আমেরিকায় থাকে, ওনারা ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু আমি এখান থেকে পাঠাতে পারছি না, কিভাবে পাঠানো যাবে? आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट बाहर भेजना है आपको? हाँ, अमेरिका। नहीं, अमेरिका तो बाद में भेजना है ना मैडम, अभी तो इंडिया बहुत बड़ा पड़ा है ना, क्योंकि उनके अपने एफटीए के अपने रूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रोडक्ट जाते हैं। तो इसमें तो आपको जो कुरियर वाला है वही आपको इसके एडवाइज कर पाएगा, जो इंटरनेशनल कुरियर हैंडल करते हैं कि किस रूप में जाते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे जो है मैं शिव शंकर गौड़ को बुलाते हैं एक बार। जी अनम्यूट करिए शिव शंकर जी। जी सर, मारी चाय मॉर्निंग सर। मेरा सवाल है कि सबसे पहले सर कि हम अपने टीम में जो है किस तरीके से काम करें कि लोग प्लान देना स्टार्ट कर दें। दूसरा सर एक सवाल है कि प्लान सर अभी पीडीएफ में जो कंपनी के द्वारा आया है वही देना है, कि उसमें भी बहुत सारे लोग चेंज करके प्लान देते हैं, तो उसको भी चलने दें? देखिए प्लान तो यूनिवर्सल एक प्लान होता है, दो चीजें होती हैं सर। स्टैंडर्ड प्लान तो कंपनी का जो प्लान है उसी रूप में बात करेंगे, तो सारे लोग, आप अलग किस्म से बात करेंगे, आपके अपलाइन अलग किस्म से बात करेंगे, आपके डाउनलाइन अलग किस्म से बात करेंगे। तो रोज अगर हम बच्चे को ABCD सिखाना चाहेंगे तो आज ए हमने ऐसा बता दिया, कल हमने बोला ये बी जो है ना ये होता है, फिर हमने एक दिन बाद बोला ये सी जो होता है ना ये ए जैसा होता है, तो बच्चा कभी सीखेगा नहीं। हमने भी आपने भी कैफ है जे हो ABC हो वो कैसे सीखा कि वो एक ही जैसा है उसका। तो ये है, लेकिन प्लान से भी इम्पोर्टेंट है कि हम उस प्लान से पहले और बाद में क्या बात करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी प्लान को दिखाते वक्त।
ये चीज है, तो स्टैंडर्ड कंपनी ने इसीलिए बनाया कि उसको दिखाया जाए, तो उसको दिखाते हैं तो हम उसी स्टैंडर्ड उसी पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं सारा, और ये ऑब्जर्वेशंस के साथ ही प्लान को जो है वो दिखाया जाता है, क्योंकि और हम क्या दिखाएंगे। कोई भी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाने के लिए हम जब बात करते हैं कि टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, बच्चों के लिए जो है अच्छी एडुकेशन कर पाए, घर में जो है हमारे पैसे हों, हमारे पास जो है वो सारी सुख सुविधाएं मिले, तो उनके लिए वो उसका पैरामीटर है, तो उसी पैरामीटर पे हमको उस प्लान को शो करना है। दूसरा, टीम में कैसे काम करें। आप तो डायमंड डायरेक्टर हैं सर, तो टीम में काम करने का तो एक ही तरीका, सबसे पहले मैं आज इजी वाले पे बात कर लेते हैं, बहुत आगे वाले पे बात नहीं करेंगे। इसमें पहला तरीका है सर कि हम प्रोडक्ट यूज करें, सबसे सबसे पहले इस्तेमाल करें हमारे प्रोडक्ट को, 100% हमारे प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि उसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और उसको हम लोगों को यूज करने की बात करें। पहला स्टेप ये है, मतलब वो काम हमको करना है जो हम आसानी से कर सकते हैं और दूसरे भी कर सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, हम सब लोग, हमारा डेंटाबून हम यूज कर सकते हैं, मानगोल हम यूज कर सकते हैं, तुलसी हम यूज कर सकते हैं, हमारा ब्रश हम यूज कर, मतलब जो भी चीज है माय रिचार्ज में जितना भी प्रोडक्ट है वो क्या हम यूज कर सकते हैं क्या, तो यूज कर सकते हैं। कोई ये प्रोडक्ट दूसरे भी यूज कर सकते हैं क्या, दूसरे भी यूज कर सकते हैं। तो पहला काम ये करना, इस सिस्टम का पहला चीज है कि प्रोडक्ट हम यूज करें और वही चीज हम लोगों को बात करें कि आप प्रोडक्ट बदलो, आप 100% इसके यूजर बनो। पहला चीज ये है। और करना क्या नहीं है, करना वो नहीं है कि उन आप जो काम कर रहे हैं उस काम के करने से अगर वैसा का वैसा काम आपकी टीम करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या। तो आप अगर माय रिचार्ज का प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं और वैसा ही अगर काम आपकी टीम करे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा। मतलब आप जो काम कर रहे हैं वैसा ही काम अगर आपकी टीम करे तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा। अगर आपके जैसा काम कर रहे हैं उसके करने से आपकी टीम करती है और आपको इनकम आती है तो वैसा काम हमें करना है। अगर हमारी टीम हम एक्स वाई जेड ब्रांड का कुछ भी यूज कर रहे हैं वही हमारी टीम करे तो आपको कैसा लगेगा, खराब लगेगा। तो हमें कहां से शुरुआत करनी है, खुद से करनी है। फर्स्ट स्टेप है कि कैसे काम करें, उसका फर्स्ट स्टेप है कि हम माय रिचार्ज के प्रोडक्ट के 100% यूजर बने और उसके बाद टीम को यूज करें। दूसरा चीज जो इसके अंदर मैं बोलना चाहता हूँ, वो बोलना चाहता हूँ कि माइंड सेट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। आप जैसे उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं सर, लेकिन हमको करोड़पति बनने के लिए 22 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। हमको 6 ऐसे लोगों की जरूरत है जो स्टार्टिंग में जो हमारे को 6 लेग को हम जिसके साथ खड़ा करें, 6 लोग चाहिए हमको सिर्फ। और ये उत्तर प्रदेश में जो है हमारी इकोनॉमी की, इंडिया की इकोनॉमी का जो है वो एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा कंज्यूमर जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 22 करोड़ लोग रहते हैं। तो निश्चित रूप में इस 22 करोड़ में से एक बड़े पैमाने पे कितना मान ले, हम 12-13 करोड़ लोग मान ले कि बाकी हो सकता है पेस्ट ना करते हो, तो पेस्ट तो करते होंगे सर। 12-13 करोड़ लोग जो है, मैं तो 22 करोड़ की बोलता हूँ, वो कभी ना कभी कुछ न कुछ उनको ऐसा उसके घर में कुछ होता होगा, उनको तुलसी की जरूरत है, उनको सुंदर दिखने की जरूरत है, उनको मानगोल की जरूरत है। तो कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो अब यहाँ पे हम शुरुआत कैसे करें, जब शुरुआत हम करेंगे कि खुद हम यूज करना शुरू करेंगे तब हम दूसरे को शुरू करेंगे। अब यहाँ पर आती है, एक आती है कि साहब मेरे इर्द गिर्द में जो है ना ये प्रोडक्ट को जो बोलते वक्त जो है लोग नहीं लेते हैं, आपका नहीं किसी का भी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं लोग, लोग अपने अपने सॉल्यूशन के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, दूसरे के लिए कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं लेता है, है ना। आप सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप अपनी तरफ से बेच रहे हैं, बेचने से कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं लेता है, सॉल्यूशन लेते हैं व्यक्ति, व्यक्तियों को सॉल्यूशन चाहिए, उनका समाधान चाहिए किसी भी चीज का। तो आज आज जो है अगर हम चाहते हैं कि वर्तमान में कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको 50,000 इनकम आए या 1,00,000 इनकम आए या 2,00,000 इनकम आए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अभी जो कर रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर हमको गाड़ी में 5वें गियर में लेके जानी है तो मुझे पहले गियर से बदल के दूसरे में जाना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे में जाना पड़ेगा, तीसरे से चौथे में जाना पड़ेगा, फिर 5वें में जाना पड़ेगा, टॉप में जाना पड़ेगा।
तो मुझे वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम किस रूप में कर रहे हैं, हम क्या हम सौदे प्लान कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि 22 करोड़ लोग तो यूपी में वेट कर रहे हैं आपका। क्या हम सौदा प्रोडक्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ? अगर नहीं कर रहे तो हमें यही चेंज करने पड़ेगा। सबसे अच्छा प्लान कौन सा? जो प्लान दिखाया गया। सबसे खराब प्लान कौन सा? जो नहीं दिखाया गया। तो इम्पोर्टेंट यह है कि हम एक तैयारी के साथ जो है फील्ड में निकले रोजाना। आप एक भी प्लान जो साथी दिखा रहे हैं, आज लगभग हमारे साथ जैसे 605 लोग यहाँ पे ज्वाइन, मैं बोलता हूँ 10-20 प्लान की बात नहीं कर रहे हम कि 10 प्लान रोज हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये तो एक काल्पनिक बात हो गई। मैं एक चीज बात करता हूं कि आप अगर आप और आपकी टीम में आपने 6 लोग जो खड़े किए हैं और आप अगर एक भी प्लान करते हैं, 2 प्लान करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप डेली एक भी प्लान करते हैं तो आपका 7 × 3 कितना होता है? 210 प्लान होते हैं आपकी टीम में। और 210 जब भी प्लान होंगे, वो खराब हो अच्छा हो कैसा भी हो, तो भी आपकी टीम में 50 नए लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। इस रूल को कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये प्लान किस किस रूप में हमको दिखाना है? 2 चीज रूप में हमको दिखाना जरूरी है। पहला है कि पुअर माइंड सेट के साथ हम लोग अमीर नहीं बन सकते हैं। माइंड सेट जो है ना वो अमीरों वाला चाहिए, और उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, उसके बावजूद भी माइंड सेट जो है हमारा अगर अमीरों वाला है तो हमारी टीम में लोग आना को चाहेंगे, हमसे इंस्पायर होने चाहेंगे। आपके अंदर स्पार्क क्या? मैं शिव शंकर जी, ड्यू रिस्पेक्ट, आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपने एक अच्छा सवाल पूछा तो मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना? तो टारगेट उस रूप में नहीं सोचना है, सर मेरे को बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ उस रूप में। आपने एक सवाल पूछा तो उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। तो पुअर माइंड सेट के साथ, मतलब हम तो साहब गरीब हैं, हमारी बात कोई सुनता नहीं है, हम ये प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं साहब, हमारे पास टाइम नहीं है, ये सारी क्या चीज है? ये पुअर माइंड सेट है। तो बहुत सारे लोगों के पास लोग भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, फिर भी वो पुअर माइंड सेट है। हम बहुत बार बताते हैं ना, फलां कंपनी ऐसे चली गई, फलां कंपनी, क्योंकि वो इनोवेशन क्यों नहीं किया कि पुअर माइंड सेट, उन्होंने सोच लिया इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, यही ठीक है करके, तो माइंड सेट पुअर हो गया। तो पुअर माइंड सेट के साथ अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए अमीरों जैसा ही सोचना हमको पड़ेगा। और अमीर कैसे सोचते हैं? अमीर सोचते हैं कि कोई भी काम को सीख कर किया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल नहीं चलेगी और सीख के हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। अमीरों की एक ही चीज है कि वो रोज जो है इस चीज को सोचते हैं कि कोई भी चीज को किया जा सकता है। क्योंकि ये जूम जिस दिन चालू हुई उस दिन 350-350 लोग आते थे, लेकिन मैंने अपने बोर्ड पे लिखा कि 2023 खत्म होते होते इस जूम में 1000 लोग आएंगे और उधर हम बढ़ रहे हैं। तो ये एक माइंड सेट है, उस माइंड सेट को हम रोज एक कमांड दे रहे हैं। ऐसे ही आपने एक दिन जब लिखा कि मुझे इस सिस्टम में डायमंड बनना, तो आप डायमंड बने सर। आप जिस दिन सोचेंगे कि मुझे इस सिस्टम में डबल डायमंड बनना, उस दिन आप डबल डायमंड बने, क्योंकि उस दिन आप अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। अब ये जो डबल डायमंड बनेंगे या टीम में, उसका एक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। पहला चीज तो हमने बात किया कि प्रोडक्ट को यूज कराओ, और वो जो है अमीरों वाली मानसिकता के साथ यूज करना है। पहला चीज, कोई भी यूज करा सकते हो आप, जिस प्रोडक्ट से आपको बीवी आती है वो आपको यूज करना है, वही हमारी टीम में यूज कराना है। सेकेंड थिंग ये है कि हम रोज एक प्लान दिखाएं। तो प्लान दिखाने के लिए कब होगा? जब हमारे अंदर एक साहस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, हमारा गोल लिखा होता है। बिना गोल लिखे रोज हम प्लान नहीं दिखा सकते हैं। और गोल क्या लिखना है? हमारी डायरी में लिखना है, हमको एक बोर्ड खरीद के लेके आना है। 400-500 रुपए से महंगा बोर्ड नहीं आएगा, और कोई भी व्यक्ति जो इस जूम में है वो 400-500 रुपया तो खर्च कर सकता है। वो बोर्ड लाके अपने घर पे लगाइए आप। उस बोर्ड से जब आप जो है अपने ड्रीम्स को लिखेंगे ना, तो लगातार लगातार आपको दिखेंगे। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है? जब हमने ड्रीम्स लिख लिया, हमारे ड्रीम्स को गोल्स का हमने एक डेट दे दी, हम रोज पढ़ते हैं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर कैसा? आपकी टीम में हो सकता है 50 लाख का बिजनेस आ रहा हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी इनकम नहीं आ रही, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर कैसा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी में, माय रिचार्ज में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, जिनका 4-5 लाख बिजनेस वॉल्यूम ही है सारा ही, लेकिन वो इनकम कमा रहे हैं 80,000, 70,000, 75,000। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है।
और ये स्ट्रक्चर जो बनाता है वो कोई ना तो ऊपर वाले की दया पे बनता है ना नीचे वाले की दया पे बनता है, मतलब ना आपका अपलाइन उसमें कोई हेल्प करेगा ना आपके डाउनलाइन, ये पूरा आपका माइंड सेट कैसा है वैसा आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसे बनाना है इसको, 6 की विड्थ और 4 की डेप्थ, 24 लोगों पे तो मुझे काम करना ही करना है, 24 लोग पे तो मुझे करना ही है। अब बहुत सारा साथी बोलेगा सर हम तो सीधा 12 लेग खोलेंगे, आप खोल सकते हैं लेकिन आप चला नहीं पाएंगे, तो 12 लेग बनाया क्यों, क्यों है कंपनी ने, आप 6 लेग जब बना लेंगे ना, जब जब उसके अंदर आप डबल डायमंड होके आपकी 1-1.5 लाख इनकम आएगी ना, उस दिन एक एक डिसाइड करिए कि अगले 6 महीने में मैं अगली 6 खोलूंगा, उससे पहले हम करेंगे 12 में हमारा चलेगा नहीं, हमारा कैपेसिटी। आप में से कोई धुरंधर है उसको लगता है मैं 12 चला लूंगा 15, वो 12 चलाए, वो अपने सीनियर से इसको गाइड करें, है ना, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति के लिए जिसने इस बिजनेस को अभी अभी शुरू किया है या कुछ टाइम पहले किया है, या जो जिनको लगता है कि उनके बिजनेस को ज्यादा बेटर ढंग से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये 12 लेग भी हमने बनाया है सोच के और वो 6 लेग पे भी हम बात कर रहे हैं, तो 6 लेग मुझे विड्थ खड़ी करनी है और 4 डेप्थ मुझे डेवलप करनी है उसमें। जैसे हम समझ लेते हैं शिव शंकर जी आप आए, अब आपको मैं मिला कहीं पे और मैंने आपने बताया भाई बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इस रूप में आप काम करके जो है थोड़ा सा जो है अपना 2-3 घंटा डेली अगर आप देते हैं तो आप अपने जॉब के साथ, जैसे मैं कोई जॉब कर रहा था तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे क्या करना है, आप तो अपने नीचे एक लेंग में ज्वाइन करेंगे सर, अब आप ये आप डिसाइड नहीं कर सकते मैं कितना करूंगा, आप मेरे चारों तरफ घूमेंगे ना सर तो बड़ा मुश्किल होगा, आपने मुझे प्लान दिखा दिया ठीक है मुझे सोचने दीजिए आप मेरे संपर्क में, लेकिन उसी बीच में जो है आपको तारापाड़ा मेटी मिल गई सर, तो तारापाड़ा मेटी को क्या करना है आपको, आपको प्लान दिखाया आपने, अब यहाँ पे आपको लगता है कि तारापाड़ा मेटी और मैं एक ही जोन में अगर होंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपने तारापाड़ा जी को मेरी एक एक लेग पे डाल दिया उठा के, अब तारापाड़ा जी भी वैसे ही सोच रहे हैं सारा कर रहे हैं सारा कर रहे हैं, उसी बीच में जो है जोयता मैडम मिल गई आपको, तो जोयता मैडम को आपने प्लान दिखाया सब कुछ अच्छा लगा, तो जोयता मैडम को आपने कहां पे लगाया, तारापाड़ा जी के डाउन में लगाया, उसी बीच में जो अर्जुन पांडे जी मिल गए, तो 4 की डेप्थ में जो समझा रहा हूं उस व्यक्ति के सिंगल साइड में हमको ये डेप्थ को खड़ा करना है, तो 4 6 विड्थ और 4 डेप्थ, मतलब 24 लोगों के ऊपर आपको काम करना है, तो यहां से हो सकता है आपको 12-6 लोग मिल जाए, नहीं तो 6 तो मिल ही जाएंगे जो आपको डबल डायमंड की इनकम को 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जो आप टारगेट ले रहे हैं उसके ऊपर खड़ा करेंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि आपने प्लान उनको किस रूप में दिखाया है, आप बोलेंगे कि ये देखिए डेंटाबुन खराब नहीं है, डेंटाबुन तो अच्छा ही है, डेंटाबुन तो लाखों लोग कर ही रहे हैं सर, लेकिन आप किस रूप में व्यक्ति को बिजनेस प्लान दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको करियर शुरू में बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लेके ही शुरू करेंगे, मैं देखता हूँ कि कुछ हमारे साथी जो है वो प्रोडक्ट चुन लेते हैं, जैसे इनहेलर चुन लिया, डेंटाबून चुन लिया, यानी वो 10 प्रोडक्ट ऐसा चुन लिया जो आपका 200 बीवी भी नहीं बनाता है। मैं उनसे एक चीज पूछता हूँ आपने कितना टाइम लगाया दिन भर में, बोला सर 4 घंटे हमने मेहनत की, भाई 4 घंटे आपने मेहनत की तो सब पे मेहनत करो ना, सारी चीज पे मेहनत करो, डेंटाबुन देना है आपको, आप इनहेलर भी देना है क्योंकि जुकाम जिसको आई उसको बोला मानगोल नाक में डाल लो ठीक नहीं होगा, उधर इनहेलर ही लगाना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आपको मानगोल प्रमोट करने से डर आपका निकल जाएगा ना, जिस दिन तुलसी प्रमोट करने से आपका डर निकल जाएगा, जिस दिन आपको बीबी क्रीम प्रमोट करने से आपका डर निकल जाएगा, जिस दिन न्यूट्रीबून सेम्स न्यूट्रीबून विमेन मेंस गोल्ड प्रमोट करने से आपका डर निकल जाएगा ना, जिस दिन मोरिंगा गोल्ड स्पायरुलिना गोल्ड प्रमोट करने से आपका डर निकल जाएगा, उस दिन ये प्रोडक्ट आपकी टीम में प्रमोट होना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट प्रमोट होंगे तो बीवी आएगी, बीवी आएगी तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो ऑटोमेटिक एनर्जी जो है शुरू होगी, तो इसका शॉर्टकट कुछ नहीं है शिव शंकर जी, इसका शॉर्टकट एक ही है कि प्रोडक्ट पहले यूज करो, प्रोडक्ट यूज कराओ, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, 24 का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, पुअर माइंड सेट अगर किसी का है उसको हमें त्याग देना है, और रोज हमें फील्ड में प्लान दिखाना है 3 घंटे। कोई व्यक्ति 5 स्टार में खाना खाता है 5 स्टार में रुकता, हम क्यों नहीं रुक सकते, ये हमें अपने से पूछना है ना, गरीब मानसिकता नहीं अमीर मानसिकता, हम क्यों नहीं रुक सकते, वो भी तो यहीं पे पैदा हुए, वो भी तो यहाँ पे, एक चाय वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम इस सिस्टम में क्राउन एम्बेसडर क्यों नहीं बन सकते,
क्योंकि सबसे बेटर प्लान है, सबसे बेटर प्रोडक्ट है, सबसे बेटर सिस्टम है, तो उसके ऊपर हमें करना। तो मैं समझता हूँ शिवशंकर जी आपने जो सवाल पूछा उन दोनों का जो है आपको जवाब मिला होगा सर। कोई और कोई डाउट है सर? नहीं सर, बस और कोई डाउट नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। तो आपकी पूरी टीम और जितने भी साथी शुरू कर रहे हैं उन सबको जो है इस चीज को, हमको इसी रूप में जो है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत शानदार। एक बार जो है मैं अर्जुन पांडे जी को लेते हैं। हमारी क्या आयुर्वेदा मॉर्निंग जी सर। सर मेरे दो सवाल है। एक तो सर फोन पे जब हम प्लान वगैरह लोगों को दे देते हैं तो एक उसको जूम पे इनवाइट कैसे करें, और क्या ऐसा फोन पे है सर कि 30 सेकंड के अंदर हमारा इनविटेशन कंप्लीट हो जाए? एग्जैक्ट कुछ मतलब ऐसा वर्ड जो सर अगर आप बता सके कि जब फोन पे हम बात करते हैं तो उनको अगर इनवाइट करते हैं जूम पे आने के लिए तो वो तुरंत पूछ लेते हैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या मतलब किस तरीके का बिजनेस है, तो उनको किस तरीके का वो बात करे, अगर वो सर आप बता पाए तो अच्छा है। और दूसरा सर एक सवाल नहीं है, मतलब थोड़ा सा अब जो प्रॉब्लम सामने आई है उसको बता रहे हैं। जैसे दूर बैठा हुआ कोई साथी है सर तो हम कोशिश करते हैं कि वो पहले हमारा बिजनेस टूल ले ले, हमारे कंपनी का प्लान बुक हो गया, प्रोडक्ट बुक हो गया, कुछ तो वो खुद से सिलेक्ट नहीं कर पाता है। तो हमारा जैसे ड्रीम अनलिमिटेड का जो बुक एक कंपनी में आती है वो तो 18-10 पीस का एक बंडल आता है सर, तो वो दूर बैठा हुआ एक इंडिविजुअल साथी हमारा वो परचेज नहीं कर पा रहा है। तो अगर आयुर्वेदा सेवक टाइप का कुछ ऐसा किट टाइप का अगर सर होता तो मान लीजिए कि उसको हम सजेस्ट करते कि आप ये, और उसके अंदर प्लान बुक, प्रोडक्ट बुक, वो ड्रीम अनलिमिटेड बुक, कुछ ब्रोशियर टाइप का अगर हो वो डायरेक्टली उसको 400-500 जो भी उसका एक कीमत कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती तो हम उनको दे देते, तो वो दूर बैठा हुआ साथी के पास जब बिजनेस किट चला जाएगा, बिजनेस टूल चला जाएगा, तो उसको काम करने के लिए बहुत सरल होगा। और इस जी जी बोलिए। और दूसरा सर स्मार्ट कंज्यूमर हमारा क्लब चलता है, हमारे टीम में लगभग 30+ साथी स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं, तो इनका माइंडसेट होता है कि 20 तारीख के पहले हमें कर लेना है और ये अंतिम क्षण में एक दिन में 20-25 हजार बीबी करता है, लेकिन ये अपने हिसाब से 1 तारीख से 6 तारीख के बीच हम प्रेरित करते हैं लेकिन वो मतलब उस चीज को बहुत नहीं समझ पाते हैं, लेकिन 20 के पहले हर महीना वो लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें लगता है कि हमारी टीम में काम ही नहीं हो रहा है या बिजनेस नहीं आ रहा है, थोड़ा अजीब तरीके का महसूस होता है सर। तो देखिए तीसरा जो सवाल है उसका तो जवाब, क्योंकि कंपनी 1 से 20 तारीख देती है तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका तो एक ही कर सकते हैं अपन कि हम माइंडसेट को चेंज करें सर धीरे धीरे ना, और हम उनको डायमंड क्लब में बदलें, जैसे बहुत सारे साथी बदल भी रहे हैं इसको और बहुत तेजी से डायमंड क्लब में कन्वर्ट भी हो रहे हैं, तो आपको 10 तारीख तक दिखने लग जाएगा, पहला चीज है। दूसरा यह है कि जैसे जैसे लोग लीडरशिप में आना शुरू करते हैं थोड़ा तो उसको पहले करना शुरू कर देते हैं, उस चीज को 1 तारीख को ही करना शुरू कर देते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि वो प्रोडक्ट का यूजर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब स्मार्ट कंज्यूमर उनको कि हमको फ्री प्रोडक्ट लेने के लिए करना है तो 20 तारीख तक सिलेक्शन करते हैं, लेकिन जब यूजर जब होते हैं तो उनको बिल ही काटना है, प्रोडक्ट तो पहले ही यूज कर लिया है। आपने दूसरा जो बात किया प्रोडक्ट का बुक वाला और ये प्लान का बुक का, इसके ऊपर सोच के जो आप सिंगल वाला चाह रहे हैं उसका कुछ प्लान करके देंगे तो अगले कुछ दिनों में जो है ऑनलाइन में सीधा उसको बुक करने का कुछ जो है कैसे कैसे जो है प्रोडक्ट बुक हो गया, प्लान बुक हो गया, प्लान ये हो गया और फोल्डर के साथ, तो इसका बहुत जल्दी देंगे क्योंकि टूल का तो बहुत बड़ा रोल है। आपका एक जो सवाल है वो है कि व्यक्ति को जब हम फोन पे बात करते हैं तो वो जानना चाह रहा है सर कि मैं है क्या ये एक्चुअल में, और ये एक लीडर और एक नए व्यक्ति के बीच में यही सबसे बड़ा जो है ना वो स्ट्रगल है इसमें, और बहुत सारे लोग तो बहुत आर्ग्यूमेंट के साथ पूछ लेते हैं कि आप अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम आगे आपसे बात ही नहीं करेंगे सर, आप हमको सबसे पहले बताइए। तो पहली चीज तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं ना वो आपके साथ काम भी नहीं करेगा सर, है ना, उसका अपना अपना ईगो, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं, आमने सामने बैठे हैं तो अलग है लेकिन फोन के ऊपर कि आप इधर ही बताइए तो अपन बात करेंगे, तो वो व्यक्ति तो आपके बिजनेस का जो है बिजनेस पार्टनर बनने की संभावना मतलब हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत
कम है उस उसकी, है ना। और आजकल तो जूम आ गया, जो व्यक्ति बोलता है ना फोन पे आइए, उनको बोलिए अपन जूम पे बात करते हैं, सर आप जूम पे आ जाइए मैं लिंक भेज देता हूँ, तो हैंड टू हैंड ही तो हम तो जूम का लिंक क्रिएट कर सकते हैं ना सिंगल के लिए। तो उनको हमको जूम पे लेके आना है, पहली चीज। दूसरा चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आप प्लान शो करते हैं या ये अपॉर्चुनिटी शो करते हैं तो इंटरव्यू कौन कर रहा है, आप इंटरव्यू कर रहे हैं कि सामने वाला इंटरव्यू कर रहा है, यहीं पे आपका डिसाइड हो जाता है कि व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि बहुत बार आप पूछते हैं, जैसे बहुत स्ट्रेंजर से भी मुलाकात हुई करके, नाम बताए ये करके, वो अपनी चीजें आगे नहीं बताते, वो बोलते हैं अरे काम क्या है भाई वो बताइए मुझे। तो काम क्या मतलब आप बहुत छोटा वहां पे हो गए हैं, आपका इंपॉर्टेंस आपका कद जो है वो बहुत छोटा हो गया है वहां पे करके, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड है करना है क्या है उसके ऊपर। जब तक हमारी ट्यूनिंग आपस में नहीं होगी तब तक व्यक्ति हमारे साथ होता नहीं है। और वो कब होगी, जब हम एक जो है उनका एक इंटरव्यू एक पूरा का पूरा वो कर पाए कि उनका नाम क्या है, करते क्या है, उम्र क्या है, ये बिजनेस में उनको रिक्वायर, क्योंकि हम कैसे पता लगाएं कि उनको इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। एक व्यक्ति को जो है बार बार जो है हम बोले कि भाई आप जो है उनका पेट भरा है पूरा और उनको बोले मिठाई बहुत जबरदस्त है आप खा लो, वो बोला यार भूख नहीं है कैसे खाए, तो बिना भूख के हम मिठाई कैसे खिलाएं किसी को। तो ये एक एक जो है चीज आएगा। तो हमारा काम क्या है सर, और लोगों को प्लान दिखाना। तो सब लोग नहीं ज्वाइन करते ना सर, ये माय रिचार्ज की बात नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं है। हम कोई साड़ी खरीदने जाएं जैसे साड़ी की दुकान पे, या हम कोई भी आजकल तो अगर मॉल में आप देखेंगे तो 90% लोग वेले लोग घूमते रहते हैं ना, जिनके पास कुछ काम नहीं है वो मॉल में घूमते रहते हैं। तो अगर आप मॉल में जाके देखें जो भीड़ है उतना, वो लोग अगर सिर्फ 100 रुपए का भी प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे, आपके पास अगर कोई वेला ही आदमी हो तो इसको काउंट कर सकता है। कि मैं तो जयपुर में देखता हूँ कि कुछ कुछ मॉल में जो है पूरे दिन में 50,000 लोग जो है आके निकल जाते हैं इधर से इधर। तो 50,000 लोग अगर 100 रुपए की भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीद ले उस मॉल से, तो आप देखिए उस मॉल से कितना सेल हो गया। लेकिन होता है क्या, नहीं होता। तो लोग जो है जैसे हमारे मॉल में घूमते हैं ऐसे ही जो है हमारे बिजनेस में भी जो है आते हैं। हम ही जैसे जाते हैं कहीं पे, मैंने साड़ी का जैसे एग्जांपल दिया, तो साड़ी वाला जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कर देता। अच्छा सेल्समैन ने 5-6 ही करता है फिर रुक जाता है। खराब सेल्समैन जो है ना वो बहुत सारी साड़ी खोल देता है करके, कोई भी सिलेक्शन नहीं करता है। तो सिलेक्शन करने में भी जो है ना हमको मदद करनी होती है। तो जैसे हमने कोई सवाल जो सामने वाला पूछता है करना क्या, तो उससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति है कौन है एक्चुअल में, नाम क्या है, कहाँ से है, पढ़ाई लिखाई क्या है, उम्र क्या है, अभी क्या काम करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि साहब मेरी उम्र जो है 26 साल है, मैं पिछले 4 साल से एक जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी जो है 16,000 है या 18,000 है या 14,000 है या 20,000 है। आपका सवाल यहाँ पे रुकना चाहिए इस जगह पे आके कि सर मेरे को एक बात बताइए। जैसे अर्जुन पांडे जी मेरे से फोन पे बात कर रहे हैं, अर्जुन पांडे जी जानना चाह रहे हैं कि सर ये काम क्या है मुझे एक बताइए। तो मेरे सबसे पहले जानना होगा कि अर्जुन जी जरूर बताऊंगा मैं, लेकिन क्या अर्जुन जी मैं जान सकता हूँ आप क्या काम करते हो। तो आपने बताया एक जॉब करता हूँ, बहुत अच्छा सर, जॉब से तो बहुत अच्छा सैलरी भी आती है रेगुलर। अर्जुन जी कितने साल से कर रहे हैं आप, बोले 4 साल से कर रहा हूँ। अच्छा 4 साल से कर रहे हैं, अच्छा अर्जुन जी आपका पर्सनल एकदम इशू है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम आपस में बात करते हैं तो लोग बताते हैं अप्रोक्स कितनी सैलरी आपको आती है। 99% लोग तो फिक्स ही बता देते हैं कि मुझे 16,000 आती है, मुझे 14,000 आती है। अब जैसे ही व्यक्ति ने हमें सैलरी बताया ना, आपके पास वो पॉइंट है जो इस बिजनेस की शुरुआत होती है। आपको वहां पे उनसे पूछना है क्या आज से 5 साल बाद ये सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी सर। बोलेंगे 4 साल से तो कर ही रहा हूं, 12,000 से शुरू किया था, 16,000 है, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20,000। तो फिर अगला सवाल फिर आ गया हमारे पास कि 20,000 से क्या आपके घर की जो रिक्वायरमेंट है, बच्चों के बच्चे भी होंगे, ये वो चलते चलते हमें पता करना है ना, वो पूरे हो पाएंगे क्या, कोई घर बनाना है कोई चीज, बोला नहीं हो पाएंगे। तो मतलब मैं जो समझा हूं कि आप अपने जॉब के साथ साथ आपको ऐसे काम की जरूरत है जो आपको और एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है, तो दे सकता है। तो हम लोग जो है एक बार मुलाकात करेंगे इसके ऊपर, मतलब आपका एंगल क्या है। ये तो मैंने इसलिए बताया कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं सामने से, तो बहुत बार सामने वाला ना इतना बोलता है कि हम बोल भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए आउट ऑफ 100 लोग हमारे साथ नहीं ज्वाइन करेंगे, जैसे शिवशंकर जी से भी मेरी बात हो रही थी। तो लेकिन ये एक तरीका है,
जो व्यक्ति आपको इंसिस्ट करता है अभी बताओ यही बताओ करना क्या है और छोड़ो ये करो, वो आपके साथ बिजनेस में आएगा नहीं है, क्योंकि उनका अभी वो थर्ड आई डेवलप ही नहीं हुआ है, उनका वो सोच डेवलप ही नहीं हुआ है। उनको लगता है वो दुनिया का सब कुछ जानते हैं, और दुनिया का सब कुछ जानने वाला ना बहुत कुछ नहीं जानता, क्योंकि जितने भी लोग सब कुछ जानते हैं ना उनसे सिर्फ, कभी कोई ये हो जाए, मैं रॉन्ग वे में नहीं पूछ रहा हूँ, आपको सिर्फ एक चीज पूछना है, पासपोर्ट कब बनवाया था आपने? तो पासपोर्ट नहीं बनवाया और वो पूरी दुनिया सारी चीज जानते हैं उसको, हमको समझ लेना। तो हमको आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में जाने से वो आदमी तो अपना टाइम पास करना ही चाहता है, तो आप टाइम पास करना चाहते हैं कि, हमारे पास तो एक एक मिनट कीमती है, तो हमें आर्ग्यूमेंट में जाना ही नहीं है ना। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है ना। इसको क्या बोलते हैं, फील फेल्ट फाइन, मतलब ये चीज को, इस थ्योरी को हमको जो है इसको प्रैक्टिकल में लागू करना है। हर जगह लागू नहीं होगा लेकिन 80% लागू हो जाएगा। अगर आपने वो नब्ज पकड़ ली जो उनका दर्द है तो आपकी बात को सुनेगा, आप बोलेंगे वैसे ही। आपको वो नब्ज जब तक पकड़ में नहीं आई जो दर्द है जिसमें, तब तक व्यक्ति आपके साथ काम शुरू नहीं करता। और वो है कि जॉब करने वाले के लिए आपको बताया कि उसका सैलरी है, उसके पास टाइम नहीं है। बिजनेस करने वाले के सामने 100 संकट हैं जो छोटा बिजनेस करता है और टाइम नहीं है उसके पास। ऐसे ऐसे लोगों से मैं ऐसे चलते चलते पूछ लेता हूँ, क्या करते हो? किराने की दुकान। अच्छा, कब खोलते हो? सुबह 5:30 बजे। कब तक खेलते हो? रात 10 बजे। आप सोच के तो देखिए कितनी देर ये व्यक्ति दुकान के ऊपर बैठा है। आप सोच के देखिए, ये इंसान है कि रोस्टेड कोई चीज है यार, है ये इसको कैसे करके छोड़ दिया? मतलब इसने इंसान के रूप में जन्म लिया है कि क्या है ये? सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को ये नहीं पता है ये आदमी कहाँ पे है, क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ। और पैसा कितना कमा रहा है? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 बस। अरे भाई, आप आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप बैठने लायक नहीं रहोगे यहाँ पे। बहुत सारी बीमारियों का आप देखिए, जितना किराने की दुकान इन पे बैठते हैं ना लोग, वो बहुत सारे लोग डायबिटीज के मरीज हो जाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली एक दायरा उनका पूरा का पूरा यहाँ पे हो गया। तो उस पे हमें टाइम फ्रीडम के ऊपर बात करना है, फिर साथ में पैसे के ऊपर बात करना है। लेकिन सब नहीं सुनेंगे सर, इसलिए आप बोलेंगे सर ने ये बताया, इसको सब नहीं सुनेंगे। ये हमको अपने दिमाग को सुना के रखना है। हमारा काम है सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट। कौन ज्वाइन करेगा, कौन डायमंड बनेगा, कौन डबल डायमंड बनेगा, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। हमको प्री जज नहीं करना है कि साहब ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे से करेगा, ये ऑटो रिक्शा चलाता है, ये आदमी, ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये करेगा कि नहीं करेगा। सब करेंगे, सारे करेंगे। यहाँ पर आईएएस ऑफिसर भी आएगा, आईपीएस भी आएगा, यहाँ पर रिटायर्ड लोग भी आएंगे, यंग भी आएंगे। लेकिन मैंने एक चीज कल भी बोली थी, आज भी बोलूंगा कि यंग लोगों के ऊपर ना ज्यादा हमें फोकस करना है। 20, 22 से लेके 35 साल वालों पे सबसे ज्यादा हमको इन्वेस्ट करना है अपना टाइम। इस चीज को ध्यान रखना। और कोई डाउट, कोई चीज अर्जुन जी? नहीं सर, समझ थैंक यू में आ वेरी गया मच। सर। तो सारे साथियों को समझ में आया होगा, इसी के ऊपर जो है हमको काम करना है आगे। एक बार जो है मैं तारापाड़ा मेटी जी को बुलाते हैं, एक बार तारापाड़ा जी। भाई सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर। मैं एक आदमी को ट्रेडमिल शेक और वुमेन प्रोटीन दिया था। पहले ट्रेडमिल शेक दिया था, फिर उसका सूट नहीं हुआ, उसका एलर्जी, बहुत एलर्जी आ गया था। हम उसके उसका क्या है, वेट घटने के लिए हम दिया था मांगोल, दिए थे डीएनटी, दिया था वुमेन्स प्रोटीन, दिया था इस और तुलसी दिया था, और उसका साथ हम जो मेरा 3 कैप्सूल है वो मेरे को नहीं मिला, फिर ऐसा ही दिया था। लेकिन उसका साथ ऐसा हो गया, वो 2 दिन खाया, फिर रात में जब ट्रीटमेंट लेके सोता है तब उसका एलर्जी बहुत हो रहा है। तो हम तो डर गया था, वो बोला था अभी आओ देख के जाओ, मेरा बहुत एलर्जी हो गया। ठीक है, आ रहे हैं। तो हम देखा उसका बहुत एलर्जी हो गया। फिर बाद में हम उसको कौन सा, हम उसको बोला टेस्ट करने के लिए कौन प्रोडक्ट आपको हमेशा एलर्जी आ रहा है, हम देखेंगे। तो अच्छा आदमी था, बोले ठीक है हम टेस्ट करते। तो टेस्ट कर लिया, ट्रीटमेंट से तो उसका एलर्जी, रात में जो ट्रीटमेंट पीता है उसको तो एलर्जी आ रहा है। हम ऐसे ही जानते थे,
ऐसा कोई चीज है उसमें जो एलर्जी आ रहा है, वुमेन्स फिर विमेन्स को बात दे के हम वुमेन्स प्रोटीन दिया था, उससे भी एलर्जी आ रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है ये क्या है, क्या हो रहा है। तो हम बोलिए आप डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो ये छोड़िए। अब ये मेरा एक ये हो ठीक है, ये आपने किसी व्यक्ति को दिया था, उनको एलर्जी होती है प्रोटीन खाने से, यही तो आपका सवाल है ना सर? मानगोल से तो देखिए कोई एलर्जी होती नहीं है, मानगोल तो क्योंकि जो जो इंग्रेडिएंट से बनता है उससे नहीं होता है। प्रोटीन से भी ऐसा हमने कभी सुना नहीं कि किसी को एलर्जी होता है, लेकिन हो सकता है उनको अगर एलर्जिक कोई चीज है तो ये मतलब लाखों में एक आदमी ऐसा हो सकता है कि जिसको एलर्जी हो सकती है, तो उनको आप सर एक बार वही सेम प्रोडक्ट जो है दिन में खाना खाने के बाद खाने को दे दे दीजिए एक बार, फिर देखिए उनको होता है कि, क्योंकि खाली पेट खा रहे हैं ना, खाली पेट ले रहे हैं ना रात में, रात में खाली पेट ले रहा है। खाली पेट मतलब मील रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह उसको फिट मील शेक को ले रहे हैं ऐसा। अच्छा। और सर ये एक है, मेरा जूम में तो सब होता है, सभी सीखता हूँ, लेकिन डिजिटल पार्ट को लेके एक बार सर एक दिन होता तो अच्छा होता। डिजिटल डिजिटल पार्ट के भी लिए कंपनी में कस्टमर केयर है सर, वो लोग एक्सपर्ट हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके उसका एक पूरा एक सिस्टम है उसके ऊपर, क्योंकि उसको उस चीज के ऊपर क्या बताएंगे सर, वो तो सारा जो यंग जनरेशन है वो जानते हैं, ऐप में सब कुछ उसका है, उसका FAQ भी है, और उसमें कहीं भी चैलेंज आता है तो PRO से उसका बात कर सकते हैं सर, उन्हीं का यही काम है। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, बहुत शानदार, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सुधीर जी आइए एक बार, सुधीर कुमार जी। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। जी सर। सर ये हमारे साथी हैं रतन जी, जी जो 2 साल पहले ज्वाइन किए थे सिस्टम को, लेकिन पिछले महीने में एक चेम्स इन्होंने अपने बच्चे के लिए लिया है। तो जी बच्चा में प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर विकास के लिए सर कम से कम मिनिमम कितना दिन तक चेम्स का सेवन करना पड़ेगा सर? बच्चे की उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 9 साल है सर। 9 साल का बच्चा है, अभी क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो शायद कुछ भी नहीं है, मतलब डेवलपमेंट के लिए ऐसे खटाखटा दिखे, मिनिमम कितना दिन? जी सर खटाखटा दिखे इसके लिए, नहीं सर खटाखटा दिखे इसके लिए नहीं सर, मतलब हर तरह से मानसिक ग्रोथ हो, शारीरिक ग्रोथ हो, इसी लेकर के खाना कितने टाइम देंगे बच्चे को, खाना कब तक खिलाएंगे बच्चे को सर? खाना तो सब दिन खाना पड़ता है, सभी खाना पड़ता है, तो चैम्स भी खाना पड़ता है सर। चैम्स फूड सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन है सर, जो हमारे खाने में नहीं आता है। जब तक वो 13-14 साल तक का, 12-13 साल तक का होता, फिर बच्चा अपने आप ही छोड़ देता है चैम्स को कि मुझे नहीं खाना है, तब तक खिलाना है सर। 12-13 साल? हाँ, 12-13 साल तक जो है वो खिलाना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ, जिंदगी भर आप पूरा उसके पूरे लाइफ स्पैन में आप जब देंगे ना इसको, तो कितना फर्क आएगा मार्केट का इस प्रोडक्ट में, लेकिन उसकी बॉडी जो है ना लाइफ टाइम के लिए बनेगी, उसमें बहुत सारा फर्क आएगा इसको। तो चैम्स भी, न्यूट्रीविन विमिन भी, हमें जबरदस्ती नहीं खाने हैं ना सर, हमें अपने लिए खाने हैं ना, मानगोल अपने लिए पीना है ना, मानगोल हमें यंग रखेगा। यार बूढ़ा जल्दी बूढ़ा होना तो मत खाओ, मत पियो न्यूट्रिशन तो, और मत पियो एंटीऑक्सीडेंट, तो जल्दी बूढ़े दिखेंगे। तो जल्दी बूढ़े दिखने की जिन जिन की चाहत है वो न्यूट्रिशन को यूज ना करें, जिनको नहीं बूढ़ा दिखने की चाहत नहीं है भाई, हम तो यंग दिखना चाहते हैं, तो मानगुल पियो, तो प्रोटीन खाना है हमको, है ना। तो बच्चे को हम चाहते हैं कि उसकी अच्छी फिजिक बने, वो अपनी उसके जिंदगी का आधार अच्छा बने। मकान को बनाते वक्त नींव में ज्यादा टाइम लगता है कि ऊपर वाले में? नींव में लगता है, नींव में लगता है। तो नींव अगर कमजोर बना देंगे तो ऊपर वाला बनेगा नहीं, ऊपर वाला रुकेगा नहीं, तो इसलिए उसको जो है अगर वो खाना चाह रहा है तो उसको खिलाइए, उसको लगातार जो है ये करना है। और बहुत जल्दी हम प्रोटीन्स में जो है और बेटर ढंग से जो है इसका, जैसे अभी डायबिटिक प्रोटीन को हमने
चेंज किया है उसके प्रोटीन का भी जो जो है सोर्स जो है और मिल्क प्रोटीन और वे प्रोटीन और बढ़ा रहे हैं, तो और ज्यादा बेटर कैसे बनाएं, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी इनके नए वेरिएंट भी होंगे अगले 2-3 महीने में, लेकिन उससे पहले हमको कंटिन्यू इसको देना। लेकिन ये बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बच्चे के ऊपर तो खाने का डिपेंड करता है, उसके पेरेंट्स की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे उसको, है ना। तो आपको एक अच्छा बच्चा चाहिए, आपको चाहिए कि आपका आपका क्योंकि ये सिर्फ दो ही जो है ना, एक तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो है अपलाइन चाहता है कि मेरा डाउनलाइन जो है ना वो ग्रो होके बड़ा हो जाए मेरे से, और एक मम्मी पापा जो है चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे ऊंचा दिखे, हमसे तगड़ा दिखे, हमसे ताकतवर दिखे, हमसे अचीवमेंट में जो है बड़ा हो, उसका उसको जो है दुनिया उसकी तारीफ करे, मतलब तारीफ सुनते हुए जो है ना वो मजा आता है मम्मी पापा को बच्चे के बारे में कोई बोलता है। तो इनको ये जो साथी बैठे हैं, तो इनको अगर इनका बच्चा बाहर खेल रहा है और इनकी वाइफ से या इनसे कोई पूछे बच्चे को क्या खिला रहे हो आजकल ऐसा लग रहा है, तो क्या आता है सबसे पहले हम बताते नहीं, पहले हमको प्राउड फील आ जाता है कि हमारे बच्चे के बारे में ये बात हो रही है। तो बच्चा कोई शॉर्टकट नहीं है, कंटिन्यू करना जी। चैम्स तो बहुत बेहतर लग रहा है बच्चे लोग को, सब खा रहे, कंटिन्यू करना है, चैम्स भी कंटिन्यू करना है, विमेंस को जो है विमेन प्रोटीन भी कंटिन्यू करना होता है। हम क्योंकि उतना कैपेसिटी के हम इंसान बने कि हम हमारी पॉकेट जो है अलाउ करे, कब करेगी, जब माइंडसेट हमारा चेंज हो जाता है, जब हम सोचना, क्योंकि ये बिजनेस पैसा दे रहा है तो उस पैसे को भी हमें कमाना भी है, आगे भी बढ़ना है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सही सब जी। आइए एक बार। नाइस मॉर्निंग सर। जी सर, हमारा एक सवाल है जो हमारा कुरियर में, तो हमारा देश का सब जगह में हमारा प्रोडक्ट पठाने में सक्षम है, लेकिन हम क्या बांग्लादेश में कुरियर का सर्विस नहीं, माय रिचार्ज तो सर इंडिया में ही देती है अभी सर्विस, इंडिया से बाहर नहीं देती। आप इंडिविजुअल भेजना चाहते हैं तो वो इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से बात करना पड़ेगा, माय रिचार्ज जो है वो देती है देश के अंदर, है ना। देश में हम दो किस्म से कनेक्ट करते हैं, एक है हम जिसको कि सिटीज के जितने भी पिन कोड हैं, लगभग 18,000 पिन कोड हैं, जिनके ऊपर हम हाईएस्ट जो है 4 डेज में जो है डिलीवरी करते हैं, कुछ कुछ जगह 5 डे भी हो जाता है, और बाकी जो है बच गए जो हमारे लगभग 37,000 पिन कोड है उनके ऊपर इंडिया पोस्ट से जाता है, तो ये 18 से 22 दिन का उसमें टाइम लगता है जो रूरल एरिया में है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में माय रिचार्ज जो है कनेक्ट करती है, ऑनलाइन पे प्रोडक्ट जो बुक करते हैं अपन, देश में जहां पे पोस्ट ऑफिस है वहां के लिए आप बुक कर सकते हैं कहीं पे, लेकिन देश से बाहर नहीं। ठीक है सर। अभी कलकत्ता ही बहुत बड़ा है आपके लिए सर, कलकत्ता में जो है ना सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट करना है, बहुत शानदार। एक बार जो है अरबिंदो जी आइए। जी सर। सर भाई क्या जाए विद द मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरा एक सवाल है, मेरा कुछ कुछ दोस्त सर पहले माइनिचर्ज में ज्वाइन किया था, अभी अभी वो नंबर छोड़ दिया, उसमें कुछ पैसा भी है, अभी अभी कम करना चाहते हैं, क्या करूँ सर? मोबाइल नंबर चेंज कराइए सर, कस्टमर केयर में एक स्पेशल डिपार्टमेंट ही बैठता है नंबर चेंज करने के लिए, इसका पुराना नंबर नया नंबर आईडी नंबर लिख के भेजना है, उनको वेरिफिकेशन करेंगे चेंज करेंगे। सर वो पुराना जो नंबर वो तो सर कोई अन्य लोग पुराने नंबर पे बात नहीं करेंगे सर, लिख देना है पुराना नंबर बंद हो गया है, किसी और को अलर्ट हो गया, मेरा नया नंबर ये है सर। वेरिफिकेशन में उनसे जो है कुछ उनका आईडी का सिस्टम होता है, वो ही लोग बात करेंगे, मेल पे मंगाते हैं, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। आपको साथ में लिख देना है कि पुराना नंबर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास नहीं है, किसी और को अलर्ट हो गया या चल नहीं रहा है, जो भी है, तो नए नंबर पे बात करें। ठीक है सर, ठीक है, आईडी प्रूफ भेजने होते हैं मेल के ऊपर, ये होगा मेल पे, लेकिन इसको व्हाट्सएप पे नहीं भेज देना है। शिवानी मैडम आइए एक बार। मरीचर्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम तो प्लान शेयर में जाते हैं, तो उसको तो प्रोडक्ट बारे में हम लोग बोलते हैं, सब कुछ बोलने के बाद वो लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं थोड़ा कुछ प्रोडक्ट यूज करूँ, उसके पहले मैं सोचूंगी,
तो सर जब वो प्रोडक्ट यूज करेगा तब तो हमको उसको एमआरपी में ही हम देंगे। तो मेरा जो प्रोडक्ट का बुक है, कैटलॉग है, मैं उसको देती हूँ। सब देखने के बाद वो बोलता है कि इसमें तो कोई सारा में तो कोई कितना दाम है, इसका प्राइस कितना है ये तो लिखा नहीं है आपका। मैं उस समय मैं उसको तो एमआरपी डीपी चार्ट नहीं बता सकती हूँ। तो मेरा मैंने किया क्या, उसको चार्ट में क्या दिखाऊं? उसका बुक में मैं तो एमआरपी का रेट भी नहीं लिखता है, तो उसको मैं आपको कहाँ पे एमआरपी रेट दिखाते हैं? आप अपने से एक दाम बोल देते हैं, मैं उसे तो ये तो ठीक नहीं है, आप ये बोल रहे हैं, इसका दाम मैं कहाँ देखूं? ये बुक में क्यों नहीं है, मैं उसको क्या दिखाऊं सर? रॉन्ग सवाल का जवाब नहीं देना ना मैडम। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे पहले प्रोडक्ट यूज करने हैं, मतलब वो आपसे उस लेवल पे कन्विंस हैं कि आपके साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको उनको फिर बताना है ना कि इसका दो किस्म का दाम होता है। देखो, एक होता है इसकी एमआरपी होती है और एक डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस लगती है, उसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। तो आपको जो है बिजनेस को शुरू करना चाहिए। आप अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन भी गए और आपको ये बिजनेस नहीं करना, कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट यूज करके देख लीजिए। आपका डेटा जो जा रहा है सिस्टम पे, मैंने बताया ना 6 width और 4 का depth, तो हमको उनका एंट्री लाना है, उनको उनको फीलिंग आना चाहिए कि वो माय रिचार्ज के हो गए इसके अंदर। किसी की शादी तो बहुत बाद में होती है ना मैडम, मंगनी हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं बंगाली में मुझे नहीं पता, मतलब इधर जो जो रिंग रिंग सेरेमनी जो हो जाती है करके, उससे शादी थोड़ी ना हो जाती है, लेकिन वो फील एक दूसरे के जो है लाइफ पार्टनर जैसा फील करना शुरू कर देते हैं। यही हमारे बिजनेस के अंदर है। तो जब वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट मुझे यूज करने हैं, तो हमको उनका फॉर्म भरना है मैम, उनका डिजिटली भी आप फॉर्म भर के उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनको एमआरपी पे क्यों दे रहे हो, आप डीपी पे ही दीजिए ना उनको। और कुछ लोग हैं वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, बोले नहीं भैया हमको मैडम ये ज्वाइन नहीं करना, हम आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उनके उनके सवाल नहीं होते ये कि इसका एमआरपी डीपी फला क्या है, कुछ नहीं उनके तो सवाल नहीं होता। आपने जो प्राइस में उनको दिया, कोई डिस्काउंट दे दिया या नहीं दिया, वो उसी पे खरीदते हैं। दो किस्म के लोग है ना, एक जो है वो बात नहीं, बोले हम ज्वाइन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम तो आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो बाद में बोल रहे हम नहीं ज्वाइन करेंगे, हम तो प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, वो क्लियर बता देते हैं। आप अनम्यूट करिए मैडम, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं मैम, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ अब बोलिए शिवानी मैडम, आप जितना बोला कुछ नहीं सुना। तो इसका यही तरीका है मैम कि हम उनको अपनी टीम के अंदर लेके आए कि आप तो कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन आप एक रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे जो है प्रोडक्ट मिलेंगे। और आपने देखा वो सोच रहे थे कि 500 रुपए 1000 रुपए के 1500 के प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन आपने जब एक्सप्लेन करना शुरू किया, आपने पता चला कि वो 3000 डीपी के प्रोडक्ट उन्होंने खरीद लिया है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका, तो फिर जो है उनको कि इस पे इतना बेनिफिट है, मानगोल पे इतना बेनिफिट है, तुलसी पे इतना बेनिफिट है, इस पे इतना बेनिफिट है आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, फिर ये देखो ये प्रोडक्ट, ये सारे मिलके आपको तो इतना बेनिफिट मिल गया, तो इस रूप में आगे बढ़ते। तो हमको डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ना उनको आगे लेके आने की जरूरत है। बोलो हो सकता है आपको बहुत सारा आप आगे ना बढ़े, लेकिन आ जाइए। फिर हमने क्या हो गया, उनके नीचे फिर एक अगला जो 4 depth जो बताया ना, उस रूल को यहाँ पे फॉलो करना है। पहले दिन लोग इस बिजनेस को सीरियस लेके आने वालों का परसेंटेज 1% का भी बहुत सारा कम हिस्सा है। 99% लोग टीम बनाएंगे बिजनेस करेंगे ऐसे नहीं आते हैं, बाद में धीरे 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 इस बिजनेस से एसोसिएशन होकर चालू हो जाते हैं। तो उनके नीचे जब बिजनेस आ गया, मान लो एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया और उनके नीचे हमने 5 depth बनाई, वहां पे एक एक लेडी ऐसी मिली हमारे जो डायमंड क्लब चालू कर लिया, तो इन 4 से बात करने का हमारे पास एक माध्यम आ गया कि आपके नीचे भी एक टीम बनी है, 4 लोग आपके नीचे आ गए हैं, 6000 बिजनेस वॉल्यूम है आपके नीचे, तो हम बार बार उनसे बात करेंगे उसको। तो वो सवाल का हमें जवाब नहीं देना, वो कुछ और पूछ रहे हैं। वो क्यों पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा इससे, तो बेनिफिट तो डिस्ट्रीब्यूटर का दिखाना है ना हमको, वो एमआरपी डीपी या वो डिस्काउंट क्यों पूछ रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको बेनिफिट चाहिए, तो बेनिफिट पूछ रहे हैं उनको, हमारे को सवाल में उलझना नहीं, हमारा जवाब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। एक बार जो है मैं नारायण बनी जी को बात करेंगे। नारायण जी मॉर्निंग सर। जी सर, मेरा आपका नाम से सूफी है, उस सूफी से हम बिजनेस चलाता है और उस सूफी हम बना लिया वो जोहरुल सर के पास फ्रेंचाइजी आलमगंज में,
वो अभी अच्छा ढंग से हमको प्रोडक्ट देना नहीं सकता है। हम खुद का फ्रेंचाइजी में फ्रेंचाइजी नहीं बनाने से आपको हमारा मैं एक नंबर बता रहा हूं सर, वो नंबर नोट कर लीजिए और मेल भी कर दीजिए product@myrecharge.co.in पर, product@myrecharge.co.in एक मेल आईडी है और नंबर है 0141, लिख लीजिए आप नंबर, फोर 0141 टू वन जीरो फोर सर 420 4 2 0 17 17 23। 2 3 हाँ, और ये 23 नहीं लगता है तो 24, बाकी पूरा का पूरा यही रहेगा, 23 हटा के 24। अच्छा। ये प्रोडक्ट हेल्पलाइन है और मेल भी आप डाल दीजिए कि मुझे अपनी सोपी को ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जो मेरे को अच्छे से सर्विस दे पाए, मुझे फ्रेंचाइजी अच्छी सर्विस नहीं दे रही है, तो वो लोग उस सोपी से भी बात, फ्रेंचाइजी से भी बात कर लेंगे और आपका जो है सुटेबल जहाँ होगा वहां उसको ट्रांसफर कर देंगे सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सुरेंद्र जी आइए एक बार, सुरेंद्र कुमार जी अनम्यूट करिए सर। भारी चार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर, सर सर मेरा एक सवाल है कि फील्ड में हम जब जाते हैं सर तो प्लान बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वो बंदा सब कुछ करने के बाद आईडी भी सर बोलता है कि सर आईडी मेरा जनरेट कर दीजिए, बट सर वो खरीदारी नहीं कर पाता है सर। उनको हम अपनी तरफ से पूरा बिल्कुल समझा देते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट भी होता है, प्रोडक्ट का भी नॉलेज उनके उनको हम अच्छा तरीका से बता देते हैं, बट सर वो खरीदारी नहीं करता है। मेरा यही क्वेश्चन है सर। पहला चीज तो आपको जब बोलता है कि मेरी आईडी क्रिएट कर दीजिए तो आईडी क्रिएट कर दीजिए सर, पहला काम तो हमारा यही है सर। जी सर, ठीक कर है देते सर। हैं सर हम उसका आईडी के। दूसरा चीज, दूसरा आदमी बोलता है मेरी आईडी क्रिएट कर दीजिए तो इनके नीचे फिर वो उनकी आईडी क्रिएट कर देंगे, हमको यहाँ वहां नहीं जाना है। जो एक व्यक्ति पहले बोला मेरी आईडी क्रिएट कर दीजिए, प्रोडक्ट नहीं खरीदा, दूसरा बोलता मेरी आईडी क्रिएट कर दीजिए, इनके नीचे उनकी आईडी क्रिएट कर देंगे सर। क्लियर है सर। इस चेन को ठीक तब है सर, तक बनाना है जब तक कि एक व्यक्ति बोले कि मैं प्रोडक्ट भी खरीदूंगा, मेरी आईडी भी क्रिएट करिए, मैं प्रोडक्ट भी खरीदूंगा सर। बिहार में भी 12 करोड़ लोग रहते हैं ना सर, हम हाँ 30 30 जी हाँ स्टॉल जी दिखाएंगे, हमारे साथ आपको 15 लोग बोलेंगे मेरी आईडी क्रिएट कर दीजिए, उसमें से 5 लोग जो है आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, एक आदमी बिजनेस करेगा, वो एक आदमी जो है आपकी उस लेग में इतना बिजनेस लेके आ जाएगा कि आपका जो 6 लेग का जो प्लान है, आप जो सोच रहे हैं, वो आपको करोड़पति बना देगा सर। तो बहुत सारा लोग जो नहीं खरीद रहा है ना सर, हम तब उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचे हैं जो खरीदना चाहता है। आपके बिहार में डायमंड क्लब करते हैं लोग सर? जी सर, डायमंड क्लब तो कुछ लोग करते हैं सर। हाँ। स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं सर? हाँ जी सर, हाँ, तो सब जगह सर आपके यहाँ डायमंड क्लब भी करते हैं, स्मार्ट कंज्यूमर भी करते हैं, कुछ लोग जो है स्मार्ट कंज्यूमर से कम भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो सब किस्म के लोग हैं सर। कुछ लोग हमको बोलेंगे कि भाई मुझे ज्वाइन करना है, कुछ बोलेंगे मुझे प्रोडक्ट लेना है, कुछ बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोलेंगे ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। हमें क्या करना है सुरेंद्र जी, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट। व्यक्ति बोलता है आईडी क्रिएट करो, आईडी क्रिएट करो, आगे बढ़ना है हमको, एक ही व्यक्ति पे हमें नहीं रुकना है सर। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये इम्पोर्टेंट है, हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी है हमको। वो व्यक्ति अभी तक आपको नहीं मिला है जिस व्यक्ति की भूख है आगे बढ़ने की, जिसकी मेंटेलिटी जो है कि मैं चाहे गरीबी में पैदा हुआ हो लेकिन मैं गरीब जो है इस दुनिया से विदा नहीं होगा, वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा आप जब ढूंढेंगे। क्लियर है सर। तो हमें इस बहस में ओके जाना सर, चाहिए कि वो क्यों नहीं खरीद रहा है, क्या वो भी खरीदेगा, उसका टाइम नहीं आया अभी, वो खरीदेगा, उसका टाइम आएगा वो खरीदेगा। अपने को तो वो बोल रहे आईडी क्रिएट कर दो, आपसे एग्री है, वो व्यक्ति बिजनेस करेगा, उनके नीचे हमें डेप्थ लानी है सर। चार डेप्थ मैंने बात किया ना, कई बार ये 6 भी होगी 7 भी होगी, हमें करता ही जाना है, हमें ये लोगों को ज्वाइन ओके सर, कराते जाना है, और एट द स्पॉट ही ज्वाइन करा दो उनको, उनके मोबाइल से करा दो या अपने मोबाइल से करा दो, सेम टाइम ज्वाइन हाँ सर करा उनके देना, मोबाइल से ही करवाते हैं उनके मोबाइल से करा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, इससे बेटर कुछ है ही नहीं। जी आप सर। उनको गाइड करिए, वो बढ़ते जाएंगे फिर जाते हैं, यही एकदम सही डायरेक्शन है, आप इसको करते जाइए, 6 महीने बाद आप बहुत सारे लोगों को बताने लग जाएंगे कि ऐसा करके मैं कहाँ पे पहुंचा सकता। ठीक है सर, हमारा काम ये ओके सो द सर, प्लान सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट।
तो बहुत शानदार, आप म्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। तो साथियों, और भी बहुत सारे साथियों के सवाल हैं, लेकिन टाइम हमें जो है ना वो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि 7:30 बज गए हैं। तो यहाँ पर जो है मलिका मैडम, रमेश बरेठ जी, सुरेंद्र जी, किया मुखर्जी, मैवेत पचऊ, तो ये सारे और साथियों के बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन होता है, बहुत अच्छे से सवाल यहाँ पे होते हैं। तो अगली बार आपके सवाल लेंगे। आज का सेशन में जितनी भी चीजें हमने सीखे हैं, जिन लोगों साथियों ने सवाल पूछा है, उन्होंने अपने लिए नहीं पूछा है अकेला, वो हम सबके लिए पूछा है। तो इसका फाइनल एक ही चीज आती है कि माइंडसेट जो है वो करोड़पति वाला बनाओ, और वो प्रोडक्ट यूज करो जिससे बीवी मिलती है, टीम में वो प्रोडक्ट यूज कराओ जिससे बीवी मिलती है, और सो द प्लान सो द प्रोडक्ट। आज की मीटिंग का पूरा निचोड़ यही है कि हमको डेली प्लान शो करना है, प्लान शो करना है, प्रोडक्ट शो करना है। कौन ज्वाइन करेगा? जिसको जरूरत है वो अपने आप आ जाएगा, ऊपर वाला भेज रहा है। आपका तो स्ट्रक्चर अपने बोर्ड पे रखना है, 24 लोग मुझे ऐसे लाने हैं जो इस बिजनेस में मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आप डबल डायमंड हो जाएंगे, आपका अगर 1-1 लाख भी 6 लाख पे इनकम होगी, आपकी बिजनेस होगा, आपका 1 लाख प्लस इनकम हो जाएगी। उसका यही स्ट्रक्चर है। जो 1 लाख से बड़ा कमाना चाहते हैं वो एक बार यहाँ पे पहुंचे, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह एक और शानदार सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे। आज पूरे दिन में हमको फील्ड में होना है, सभी साथियों को जो है स्मार्ट कंज्यूमर तो हम कराते हैं, लेकिन अकेले स्मार्ट कंज्यूमर पे नहीं रुकना है हमको, हमको सो द प्लान सो द प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। और बहुत शानदार ढंग से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे साथी बहुत तेज गति से माई रिचार्ज में पिछले 3-4 महीने में न्यू ज्वाइनिंग बढ़ी है, लेकिन पिछले 2 महीने में और भी भयंकर रूप में बढ़ी है। तो आपकी टीम में भी बढ़ रही है कि नहीं आपको देखना है, अगर नहीं बढ़ रही है तो आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। थैंक यू वेरी मच, कल सुबह मुलाकात करेंगे। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।